तो दोस्तों मैं आज आपके साथ दो ऐसी बड़ी कंपनीज के बारे में बात करने वाला हूँ जो इस टाइम पे काफी ज्यादा चर्चाओं में है। पहली कंपनी जिसने अपने ही ऐप के स्टेटस बार में जा जाकर लोगों से मांगी है माफी और उनको एक तरह की तसल्ली भी दी है, मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। और दूसरी वो कंपनी जिसने 2020 के लॉकडाउन में तो अच्छे खासे नोट छाप लिए बट 2021 के पहले महीने में ही उनके काफी ज्यादा जो टावर है वो अब गिर चुके हैं। जी फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल ही सही पहचाना, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जियो और व्हाट्सएप के बारे में। बट अब ये कंपनियां दोनों फिर से ही मार्केट में उतरने की पूरी पूरी तैयारी में है और यहाँ पर जियो ने ये जो है इंफॉर्मेशन जो है लीक की है। आने वाले टाइम में जियो है अपनी सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट यानी जियो मार्ट को व्हाट्सएप के साथ जोड़ने की या फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही उपलब्ध कराने की यहाँ पर पूरी पूरी तैयारी में है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जियो मार्ट को व्हाट्सएप के ही 40 करोड़ से भी ज्यादा के यहाँ पर यूजर्स जो है फ्री में मिल जाएंगे और यहाँ पर जो है व्हाट्सएप पे ही जो कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम का ऑनलाइन पेमेंट का भी यहाँ जो सिस्टम है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है व्हाट्सएप ने प्रोवाइड करवा दिया, जिसकी मदद से जो शॉपिंग करने वाले हैं दीवाने वो यहाँ पर आसानी से जियो मार्ट को व्हाट्सएप में ही यूज करके उसके साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग का भी यहाँ पर मजा ले पाएंगे। और यहाँ पर जियो मार्ट अब सीधा पंगा लेने वाला है बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट यानी फ्लिपकार्ट और अमेजोन की ओर से। बट देखना यही है कि इस प्लानिंग के हिसाब से क्या जियो और व्हाट्सएप दोबारा मार्केट में आ पाएंगे, क्या लोग इनको पसंद करेंगे, ऐसे काफी सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे हम। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।